आदि अनादि काल से प्रदक्षिणा की जा रही है, परिक्रमा की जा रही है, और परिक्रमा सनातन का सबसे बड़ा विज्ञान है। सनातन धर्म में परिक्रमा करना सबसे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊर्जा के अंदर हम नहाते हैं घूम घूम कर, यह हमारा कार्य होता है। अब मुझे ये बताइए, भगवान श्री गणेश ने भी प्रदक्षिणा की थी, अर्थात नारायण की प्रदक्षिणा कई लोगों ने की, या मूर्ति के रूप में की, या साक्षात की, किसके पुण्य नष्ट हो गए? समस्या क्या है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे जब कोरोना आया तो दुनिया के अंदर कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन आई या नहीं आई, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे हज़ारों मेडिसिन्स आ चुकी थी, हज़ारों, और उन मेडिसिन्स को आप उपयोग भी कर रहे थे। जब मार्च में आया तो लोगों की एक मेडिसिन आई थी, बस ये तो गर्मी में चला जाएगा, गर्मी पड़ेगी ख़त्म हो जाएगा, गर्मी में नहीं गया सर्दी पड़ेगी तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कर लो तो चला जाएगा, वैसा कर लो तो चला जाएगा, ऐसे करने से नहीं रहेगा, वैसे करने से नहीं रहेगा, और ये वाला काढ़ा बनाओ तो रहेगा, वो काढ़ा पी लो तो रहेगा, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा था। आपको ध्यान होगा आज भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग नुस्खे बताते हैं, चाहे वो वैद्य वाले नुस्खे हों या बहुत सारे नुस्खे हों, लेकिन क्या वो सब सही होते हैं? देखिए, सोशल मीडिया वास्तव में एक दूसरे से जुड़ने और जानने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वहाँ पर सही परोसी जाए। यही सोशल मीडिया है जिसमें कई सारी गलत खबरें चली जाती हैं और लोगों के यहाँ नुकसान हो जाता है, बाद में पता पड़ता है खबर ही गलत थी। तो ये वीडियो और इस तरह की बात मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, जिसमें कहा कि साहब प्रदक्षिणा करने से पाप पुण्य, भगवान की पीठ नहीं देखना चाहिए, पीठ देखोगे तो नष्ट हो जाएगा। एक बात बताऊं, ठाकुर जी तो गुड़ की डेली हैं, भगवान तो गुड़ की डेली है, जहाँ से चाटो वहीं से मीठे हैं। और दूसरी बात, भगवान की अगर इस दर्शन में भी कहूँ, क्योंकि पीठ में अधर्म का वास है, तो भी जो भगवान की पीठ में बैठा है वो हमसे तो ज़्यादा धार्मिक है भैया। जो भगवान की पीठ में बैठने का जिसको सौभाग्य मिला है, वो हमसे ज़्यादा तो किस्मत वाला है, हमारे पुण्य तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारे पास है क्या खोने को? अगर मैं एक वो भी बात मान लूँ तो इसलिए थोड़े कई बार वीडियो देखते समय आप लोग अपने लॉजिक्स का, अपनी आईक्यू का भी यूज़ किया कीजिए, क्योंकि आजकल एक चीज़ चल गई है, जैसे किसी ने कहा मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं, तो उनने कहा कुछ भी बोल दो, वायरल तो होना ही है, पैसा तो आना ही है, एंड दे आर अर्निंग मोर एंड मोर। बट मेरा ऐसा मानना है कि समाज में जब ऊँची जगह से कोई बात निकल के जाती है, ऊँची जगह से जब कोई बात निकल कर जाती है तो वो दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। तो ऊपर बैठे लोगों को ये चाहिए कि वो जो भी बात करें बहुत सोच कर समझ कर कहें। जब हम मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, जब मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, कई बार हम डायरेक्ट मूर्ति की कर रहे हैं तो मूर्ति की पीठ आ जाती है, नहीं तो मंदिर की जो परिक्रमा की जो गली बनी हुई है वो आ जाती है। तो बात तो है कि भगवान की ऊर्जा तो इतनी है, तुम कहाँ नहीं कहाँ खड़े हो जाओ, कहाँ अभी तुम्हें क्या मालूम कि तुम भगवान के आगे खड़े हो कि पीछे खड़े हो। चलो मैं यही एक बात पूछ लेता हूँ, मतलब हमें भी नहीं मालूम, भगवान तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग की इन भाषाओं से बचें और भक्ति मार्ग की गली में प्रवेश करो। ये भक्ति मार्ग की गली में इतनी ताकत है कि ये एक जूता चप्पल जोड़ने वाले के कठौते में से भी गंगा जी को प्रकट कर सकता है। तो जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इन चीज़ों से ऊपर आइए और अपने गोविंद से प्रेम कीजिए। और भगवान से प्रेम जब हो जाता है, जब हम साक्षात्कार कर लेते हैं, जब हम सत्य को जान लेते हैं, तो त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। एक बच्चा अपने माता पिता के आगे, अब आपको एक बात बताते हैं,
भगवान जब वन में भटक रहे थे, वन में, तो हनुमान जी आदि इत्यादि, अब वानरों की, तो वानर तो वानर हैं, तो वानर क्या करते थे, जैसे भगवान बैठे हैं तो कोई वानर पीछे से चढ़ा, उनके कंधे पे चढ़ गया, उनके सर पे चढ़ गया, भगवान बैठे होते थे, कोई आके इधर बैठ गया, कोई छीन के ले गया, कोई खा के ले गया, तो वो तो बंदर हैं। उनमें से कुछ जानकार थे, कुछ जानकार नहीं थे, तो भगवान ने क्या उनको दोष पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की ही संतान है। ये दर्शन है वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि रामायण में दर्शन आता है कि भगवान बैठे और ऐसे ऊपर ऊपर चले जाते, कभी नीचे आ जाते, कभी कंधे पे बैठ जाते, कभी ये कर लेते, तो ये क्या है? सो, जब हमारे अंदर ये विचार है कि वो हमारा पिता है, हमारा परमात्मा है, तो इन सबसे हमें बचना है। हमें तो भक्ति मार्ग ही होना, हमें ज्ञान मार्ग में जाना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जाओगे तो आज इस कलयुग में ज्ञान मार्ग ही होके कुछ नहीं होगा। आपने अपने अध्यायों में, अपने विषयों में, अपने सिलेबस में भक्ति काल पढ़ा है, ज्ञान काल पढ़ा है क्या कभी? अरे भाई, ये कलयुग है, इसमें तो भक्ति से ही कल्याण होगा, और जैसा हमें बताया और समझाया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आनंद हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, खूब कीजिए प्रदक्षिणा और परिक्रमा, खूब प्रणाम कीजिए, चिंता मत कीजिए सभी जगह। और तुम क्यों सोच रहे हो कि हम पीठ पे, हम तो कह रहे हैं पीछे भी हमें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु सूरत वैसी, तो फिर क्या दिक्कत है? बोलो राधे राधे।